हेलो बच्चों, मैं स्टैंडर्ड 5 का हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों को पता है बच्चों कि मैंने पहला पार्ट जो ये पद की पहचान कविता का मैंने आप लोगों को अर्थ समझाया था और अब हम लोग अभ्यास की तरफ बढ़ चुके थे और अभी अभ्यास कुछ बाकी रह गया था जिसमें था ये दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर मैंने आप लोगों को बताया था और आज मैं लिख के रखी हूँ जो आप ही देखेंगे। देखिए पद की पहचान पहला पाठ है और प्रश्न है, कवि पंथी से राह की पहचान करने की बात क्यों कह रहा है। तो उत्तर है, कवि पंथी से राह की पहचान करने की बात कह रहा है क्योंकि सही राह कि पहचान होने पर ही हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, राहगीर के पैरों की निशानी बटोही के लिए सहायक कैसे बन सकती है। उत्तर है, राहगीर के पैरों की निशानी बटोही के लिए सहायक बनती हैं। हमें यह याद करना है कि आगे बढ़ते हुए उनके मार्ग में कितनी रुकावटें आईं, फिर भी हिम्मत के साथ वे उन्हें पार किया और लक्ष्य को प्राप्त किए। हमें भी आगे बढ़ते हुए नहीं घबराना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जब पथ असंभव लगे तब बटोही को क्या करना चाहिए। तो उत्तर है, असंभव पथ को छोड़ बटोही को दूसरे पथ पर कदम बढ़ाना चाहिए। चौथा प्रश्न है, घ सरित गिरी सुंदर वन इत्यादि के माध्यम से कवि किस ओर संकेत कर रहा है। उत्तर है, सरित गिरी सुंदर वन इत्यादि से कवि राह में आने वाली बाधाओं की ओर संकेत कर रहा है। अंग प्रश्न है, कवि किस संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। उत्तर है, कवि दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो बच्चों यह है आपके इस पाठ का उत्तर जो आपको लिखना है अपनी कॉपी में। तो देखिए और आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, अगर बुक नहीं है, किताब नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही और फिर अगले क्लास में मैं आप लोगों को इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ूंगी। तब तक के लिए बाय।